भाई लोग यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है। देख सकते हो बैठने के जो टेबल वेबल चेयर ईयर हैं सारे लकड़ी के हैं, नेचर के बने हुए हैं ऑल टोटल। मचाले तो भाई लोग ये अपने गोल्डन गांधी देख सकते हो। बढ़िया बात, मेरा भारत महान धारचूला देख सकते हो कितना मस्त बना दिया है। ये बड़े भाई भागो भाग मिल्खा भाग। अभी 2 बज रहे हैं और अभी हम निकल रहे हैं मार्केट को ऐसे ही घूमने के लिए। तो ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाके पता लगेगा हमें कहाँ जाना है। तो अभी हम जस्ट रूम पे ही हैं हाट में, अभी हम निकलते हैं यहाँ से। कहाँ के लिए? पहले हम रोड में निकलते हैं, फिर पता नहीं रोड डिसाइड कर लेंगे, जहाँ भी जाना होगा आपको बता लेंगे। वीडियो में बने रहिए, तो निकलते हैं, लेट्स गो। चल चल हट। तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं रोड में, अभी हम जा रहे हैं लेने, हमारी प्रीति को लेने, हमारे साथ एक और जा रही है जो कि प्रीति है। तो अभी हम आपसे प्रीति को भी मिलवाएंगे, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं मनीष भट्ट उर्फ मन्या सुर में आप चलाएंगे स्कूटी। तो भाई लोग मैंने आपसे कहा था कि प्रीति जा रही है सामने, तो ये हमारी प्रीति, ये अपनी प्रीति है ना, लड़की नहीं थी ठरकियों। तो भाई लोग अब हम यहाँ से निकलते हैं, हम कहाँ को जा रहे हैं अभी मैं आपको थोड़ी आगे से बताता हूँ, ठीक हो गया। आज हमारे कैमरा मैन जो है वो बड़े भैया बन चुके हैं। जो आप ये एरिया देख रहे हो, जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये है क्या हाट, बोले तो पल्ले हाट, उसको हम पल्ला हाट कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं गलाती को फिलहाल, तो गलाती तक का ही प्लान बना है अभी तो, और उसके बाद में आपको बताऊंगा कि आप कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि अभी हमें भी डिसाइड करना है। तो गलाती तक आप लोग मजे लीजिए, है ना, हम पहुँचने का वेट कीजिए, और हम गलाती में आपको हम डिसाइड करके बताएंगे कि हम आके जाने वाले कहाँ है। और गाइस जो ये रोड है ना, समझते ऐसी रोड में चलाने में मेरे को थोड़ा बहुत वो होता है यार, क्योंकि ये जो आपको मिट्टी विट्टी दिख रही होगी, ये मतलब आटे, जैसे आटा अगर गीला हुआ था तो कैसा लगता है, वो सेम वैसा लगता है ये मिट्टी ना। अगर इसमें ब्रेक मारो तो आप क्या हो जाती है, स्कूटी रबड़ जाती है, स्कूटी क्या चीज रबड़ जाती है, तो उसमें मजा नहीं आता है। सूखे में तो आप कैसे ही चलाओ। माया लू तिमी सँगै सँगै हिँड्न मन लाग्छ त के गरु तिम्रै बाटो बाटो लाग्छ। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गलाती जमीन, आपको बता दें पर ये गलाती नहीं है, इस एरिया का नाम है चिंतर। तो आप अभी हम जाते हैं गलाती, तो यहाँ से आगे मतलब 50 मीटर होगा, अभी यहाँ से 50 मीटर आगे गलाती में आया। तो अभी बड़े भाई और मैं यहाँ पे बैठे थे ऐसी वीडियो बना रहे थे, तो हमारा प्लान बना है हम अभी चलते हैं, क्योंकि इधर उधर तो अब क्या जाएं। एक जगह मैंने जो आपको दिखाई नहीं है, काफी प्यारी जगह है ना, पहाड़ों के बीच में नदी बहती है, नदी बहती तो नहीं है, पर जहाँ नदी बहती है उसके बीच में एक कैफे है बहुत ही बढ़िया, जो कि नेचर कैफे है, नेचर से जुड़ा हुआ, जो कि मतलब जाके काफी सुकून देता है, वो भी काफी प्यारी जगह है। तो हम वहीं जा रहे हैं, नेचर कैफे चलते हैं और आपको नेचर कैफे दिखाते हैं कि धारचूला में नेचर कैफे कहाँ है। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, है ना, काफी दिन से वीडियो नहीं डाली है, तो उसके लिए भाई लोग सॉरी, क्योंकि काफी टाइम बाद गैप के बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि कुछ वजह है उसकी, तो वो वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी। तो यहाँ से निकलते हैं नेचर कैफे। आया लू तिमी मुसु मुसु हास्ता मने भयो बेकाबू, आऊ नाचुम नाचुम भन्दै तिम्रा आँखा नसालु, यो कस्तो कस्तो सञ्जालैमा परे के भनु, यो कस्तो कस्तो हतारिदै आउँदैछु म पछारिँदै, तिम्रो मायालाई पछ्याउँदै नराखन टाढा टाढा मलाई धेरै गाह्रो भयो। तो भाई लोग अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, मतलब आपने जो ये एरिया देख रहे हो ना आप, ये जो है, तो ये हम पहले यहाँ स्विमिंग करने आते थे, आपको याद होगा, छोटे छोटे गांव देख, और यहाँ पे उधर छोटे छोटे गांव देख लो, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ स्विमिंग की भी, आपने जिसने देखा होगा उनको पता होगा। बाकी इस यही रास्ता जाता है रोडी रोड नेचर कैफे को। अब तो भाई लोग जो ये रास्ता आपको दिख रहा होगा, जंगल जहाँ हम जाते हैं ना नहाने के लिए, उधर वो तालाब वाला मतलब बीच में यहाँ बाढ़ आई थी, तो उस वजह से सब कुछ बेकार हो गया, और यहाँ जाने का भी तो रास्ता भी नहीं है,
जो कि मतलब पैदल जाते थे, जो आपको बीच में नदी दिख रही होगी हल्की सी, यहाँ से हम पहले पहले पैदल ऊपर जाते थे, पर अब तो रास्ता भी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जब बरसात का मौसम होता है ना, तो आपको ये दिख रहा होगा ये एरिया, ये वाला जो ये बाग है, यहाँ से मतलब झरना आता है जो कि काफी ब्यूटीफुल दिखता है। हेलो कर दो बड़े भाई एक बार। बस बढ़िया। तो भाई लोग आगे का व्यू चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। फोटो शूट के लिए तो भाई लोग ये एरिया और भी ज्यादा प्यारा है। अभी हम करेंगे ऐसी बात नहीं है करेंगे, बट हमें जल्दी ऊपर पहुंचना है। और यहाँ ना समय से पहले धूप चली जाती है, पता है। इतने जल्दी ऊपर नहीं पहुंचना है, कैफे तक पहुंचना है। मतलब ऊपर नहीं भाई लोग, कैफे जाना है अपने को, ठीक है, नेचर कैफे चलना है अपने को। रास्ता था गड़बड़ गड़बड़ है ना, वो आज भी अप डाउन हो जाती है उसकी। अभी हम यहाँ पे फोटो खींचेंगे, अभी नहीं खींचेंगे हम, क्योंकि ऊपर ही खींचेंगे नेचर कैफे। और जो यहाँ की धूप है ना भाई लोग, इधर साइड गलाती साइड धूप मतलब समय से ज्यादा चली जाती है। यहाँ धूप मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको पता है गलाती में धूप 3-4-5 घंटे तक की रहती है, और उसके बाद मतलब धूप चली जाती है। यहाँ से यहाँ पे धूप छुप जाती है, देखो यहाँ पे धूप है और यहाँ पे छुप गई है, वहाँ चेक करो। और यहाँ धूप इसलिए जल्दी जाती है ना भाई लोग, क्योंकि जो यहाँ ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, तो ये मतलब किरणें, सूरज की किरणें यहाँ नीचे, और अब होने लगा है ठंडा, और अब होने लगा है ठंडा, क्योंकि भाई लोग अब ठंडे का समय चल रहा है, आपको भी पता ही हुआ। माहौल गर्म ही गर्म है, क्योंकि थोड़ी बहुत जब धूप रहता है तो मतलब मौसम भी, वातावरण जो आपका आस पास का रहता है, तो उसकी वजह से अभी तो गर्मी चल रही है, पर उतनी नहीं है अभी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी जब नीचे आएंगे तब तो भाई लोग बहुत तेज, क्या हुआ, वायु का प्रकोप ठंडा हो। राम सिया राम जय जय राम। तो भाई लोग जो आपको सामने ये तालाब दिख रहा है ना, यहाँ पे हम नहाने आते थे, आपको याद होगा। मतलब यहाँ पे हम कभी कभार आते थे, ज्यादा तो नीचे आले में जाते थे, क्योंकि ये बहुत ऊपर है ना, इसीलिए जब हम गाड़ी से आते थे तो हम यहाँ नहाने जाते थे। तेरे गारो हो यो पाली को रात महात महात समाते राहु ना, तिमी नाचना तिमी नाचना तिमी नाचना तिमी नाचना। भाई लोग व्यू चेक करो, कितना प्यारा लग रहा है कि नहीं। और भाई लोग जो ये नेचर कैफे है ना भाई लोग, जो ये रोड एंड होती है ना जहाँ पे, तो वहाँ पे है नेचर कैफे। तो अभी हमें और जाना है, जब तक ये रोड खत्म नहीं होती तब तक हमें चलते रहना है। और आसपास का व्यू चेक करो भाई लोग, कितना प्यारा व्यू है। यो जीवन छोटो था। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं नेचर कैफे में, जो आपको सामने दिख रहा है ये है नेचर कैफे। भाई लोग ये पूरा मतलब आधे से ज्यादा ये लकड़ी का बना हुआ है, आपको मैं पास जाके दिखाऊंगा। यो पाली को रात महात महात समाते राहु ना, तिमी नाचना तिमी नाचना। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम नेचर कैफे, सामने आपका नेचर कैफे देख सकते हो। और ये अपने बड़े भाई टॉयलेट को भी क्या मस्त तरीके से सजा रखा है। माया लु तिमी सँगै सँगै हिँड्न मन लाग्छ त के गरु, तिम्रो बाटो बाटो लाग्दा। सो भाई लोग यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कुछ इस तरीके से देख सकते हो, बैठने की जो टेबल वेबल चेयर येयर है सारे लकड़ी के हैं, नेचर के बने हुए ऑल टोटल। वहाँ पे देखो सोफा है, ये मतलब टेबल और बेंच है। वहाँ पे बाइक देखो गाइस, बाइक है। पाली को रात महात महात समाते राहु ना। तो देख सकते हो भाई लोग यहाँ पे बैठने का व्यवस्था कुछ ऐसा है, पूरा ये जो कैफे है पूरा नेचर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सामने नीचे देख सकते हो, यहाँ पे नदी भी बह रही है, बरसात के मौसम में और ज्यादा होती है, बट अभी यहाँ पे थोड़ा कम हो रखा है। बाकी जो ये कैफे है सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है, वो असली रेस्टोरेंट है। बट यहाँ पे बैठने का मतलब पूरा सेटिंग, ये टेबल दिख रहा है आपको, चेयर दिख रहा है कि नहीं, काफी प्यारा व्यू है। वो सोफा देखो वहाँ पे, और भाई लोग इसको कहते हैं नहर, जो कि आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं अंदर को कि कैसा है, यू चेक करते हैं अंदर से कैसा दिखता है वो, हम चेक करते हैं कि ये धारा है पानी का, और इतना ठंडा होगा ना भाई लोग, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा होगा ये पानी, पता है। तो ये देख लो, पूरे लकड़ी से बम्बू होते हैं ना, तो उससे बना हुआ है, और इसके आसपास ये पानी वानी है एरिया। तो अंदर से चेक कराते हैं जरा आपको। तो भाई लोग अंदर भी यार काफ़ी प्यारा है कि नहीं, अंदर चेक कर सकते हो, और इस कुत्ते को चेक कर सकते हो। काट रहा है ये, तो काट रहा है। तो भाई लोग अंदर का एरिया देखो कुछ ऐसा है, अंदर बैठने का भी काफ़ी प्यारा है। पूरा जो ये बना है ये वो उससे बना हुआ है, बांस के उससे ना।
तिम्रो मायालाई पछ्याउँदै नराखन टाढा टाढा मलाई धेरै गाह्रो। हेलो बड़े भाई, कैसा लगा आपको? ठंडा बहुत है ना भाई लोग? यहाँ पर ठंडा बहुत है इस इलाके में, क्योंकि यहाँ धूप, जब मैंने आपको पहले बताया था कि जल्दी चली भी जाती है, एक वो रीज़न है। और अब तो मतलब यहाँ से जब हम नीचे डाउन को जाएंगे ना, तो हमें काफ़ी ठंडा होने वाला उस टाइम भी। पर अंदर का माहौल चेक करो, लाइटिंग। तो अभी अपने को चाय पीने का मन कर रहा था, तो चाय पी रहे हैं। बिकॉज जो इसमें जितना ये जो मैं ये मेन्यू कार्ड है, जो जो इसमें है मतलब खाने के आइटम, वो अभी अवेलेबल नहीं है। सो अभी हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो मतलब ठंड से बचने के लिए चाय बहुत होती है, क्योंकि पहाड़ी लोगों को पता होगा। बिकॉज क्योंकि मैं तो पहले से चाय लवर हूँ, टी लवर। तो जो टी लवर है, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक हो गया? और बाकी आपको मैंने बाहर बैठने का आला दिखा दिया, और मतलब अंदर भी दिखा दिया, काफ़ी प्यारे भी। आप भी आओ, घूमो फिरो। अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। हाँ अभी कोई नहीं, क्योंकि ठंडा हो रहा है ना। बिकॉज और हम आए भी ऐसे टाइम पे, हमें ऐसे ही भटक के आते हैं, घर पे खाना ना खाया, पेट भी सामने गया, यार व्लॉग नहीं बना रखा है कब से, तो बड़ा एग्जाम लगता है। मैंने कहा व्लॉग नहीं बनाया है कब से, तो बड़े भाई ने कहा व्लॉग भी बना लेंगे, तो चलते हैं नेचर कैफ़े। तो हम कैफ़े को ही आ गए, क्योंकि मार्केट इधर उधर, तो मैंने आपको ऑल टोटल दिखा रखा है। तो हम इधर को ही आ गए, टाइम। तो अभी आपको आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा, और लगना भी चाहिए। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए दबा के। सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, इतना दूर आए, काफ़ी ठंड है ना। सही बात है भाई, कर दो यार। तो आ चुकी अपनी ये गर्मा गर्म प्यारी सी चाय, भाई लोग अभी हम इसको पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। तो ठंडे में भाई लोग देख सकते हो वहाँ पे आग भी जल रही है, क्योंकि रात को आग जलाने का व्यवस्था है। बाकी गर्मा गर्म चाय पहाड़ों की रानी। ठंड के वजह से अब आग जल चुकी है, तो हम आग सेक रहे हैं, और ठंडा होना है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया है कि नेचर कैफे, वो अपना कैफे अंदर बैठने की व्यवस्था भी काफ़ी प्यारी है। यहाँ पे भी देख सकते हो पूरा नेचर, लकड़ी के टेबल बेंच बने हुए हैं। तो आप आओ यहाँ, है ना, घूमो फिरो, खाओ पियो, ए वन क्वालिटी है मतलब इधर ऑल टोटल। रात को ठंड में भी ऐसी व्यवस्था है, और यहाँ रात को रुकने का भी मतलब आप बुक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ रुकना है तो रात को आप बुक कर सकते हो। तो भाई लोग फाइनली निकल चुके हैं हम घर की, और पीछे हैं बड़े भाई, और ऊपर है अपनी प्रीति खड़ी। तो प्रीति भी को भी याद आ रही होगी अपनी, तो चलते हैं प्रीति के पास। यो पाली को रात महात महात समाते राहू ना। तो भाई लोग अभी हम पहुंचे हैं मेरे घर पे, और ये हैं पापा। पापा हेलो करो, मुंह से बोलो हेलो। बोलो हेलो। हेलो, हाय हाय, कैसे हो? बोलो कैसे हो? ठीक हो? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज, रिक्वेस्ट कर दो भाई। पापा ने बोला से बोला कर दो। अभी हम मिलने आए हैं, मतलब ना अभी मेरे घर पे अंदर होने भैया गए, तो अभी हम थोड़ी देर बैठे हैं, और उसके बाद हाँ बड़े भाई। तू जूता पहन के ठंडा लगता है? मर्दों का भी दर्द और ठंडा नहीं लगता है। मैं आपको भाई लोग, मैं आपको, आपने गाड़ी तो देखी होंगे बहुत सारे लोगों ने, बट आपने कभी गोल्डन गाड़ी देखा है? मैं आपको गोल्डन गाड़ी दिखाता हूँ। भाई लोग ये अपने गोल्डन गांधी देख सकते हो, गोल्डन गांधी अपने। तो भाई लोग अभी हम पहुंचे हार्ट पार्क में, और हार्ट पार्क ना पूरा डेवलप हो चुका है, मतलब चेक कर सकते हो अंदर लाइटिंग वाइटिंग भी चुकी है, और जो जुआ झूले वूले थे वो सारे उखाड़ उखाड़ के नए लगा दिए हैं, जो कि वहां पे बच्चे लोग झूल रहे हैं देख सकते हो। और पूरे पार्क में लाइटिंग वाइटिंग लिख दी, और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे दीवार में ड्राइंग है ही, और ये बाकी लाइटिंग वाइटिंग है, और वहाँ पे जो बैठने का वो जो देख रहे हो आपको ये तो है, और पर सबसे बढ़िया बात ना भाई लोग जो मुझे लगी है, तो भाई लोग सबसे बढ़िया बात, मेरा भारत महान, जय श्री राम, ये और आई लव धारचूला देख सकते हो कितना मस्त बना दिया है। यहाँ पे बच्चों का झूलने उलने वाला, और यहाँ पे बच्चों का ये फिसल पट्टी, वहाँ पे घूमने वाला, बाकी वो उधर पे भी देख सकते हो वहाँ पे भी बना दिया है इस बार तो। और यहाँ पे चटिया आप ये चेक कर सकते हो, मेरा भारत महान, ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी है भाई लोग, और ये आई लव DCL है कि नहीं? तो भाई लोग देख सकते हो सबसे बड़े झूले भी हैं ये, जो जो झूले टंगे हुए हैं अभी ये बंद है। ये बड़े भाई भागो भाग मिलका भाग, ये वाला ट्राई कर लिया भाई लोग, मैं अभी ये वाला ट्राई करके दिखाता हूँ आपको बड़े भाई। तो भाई लोग निकलते हैं फिर अब घर को, है ना, रात भी काफी हो गई है, तो
और यहाँ पढ़ो थैंक यू प्लीज विजिट अगेन। सो फाइनली गाइस मैं रूम पे पहुंच चुका हूँ और ये अपना प्यारा सा बच्चा डॉलर और ये बड़े भाई। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी चैनल पे नया हो चैनल को क्या करें सब्सक्राइब। या भाई लोग सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक हो क्या भाई लोग। तो आपको मिलता है वीडियो पूरी देखो। हाँ अब आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस कुत्ते को हम परेशान करते हैं। बाय बाय।